वेलकम टू माय चैनल नेवर मैकेनिकल। ये आपका हाइड्रा SE160 है जो कि स्टार्ट नहीं होता है, मतलब सुबह सुबह। इसको देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है। देखते हैं, सबसे पहले इसका एसी पंप मार लेते हैं। एसी पंप हार्ड है पूरा। अभी इसको सेल मार के देखते हैं। मारिए, तो अभी इसका इंजेक्टर से एयर निकालेंगे। देखते रहिए, इंजेक्टर के एयर निकालने के बाद एक बार स्टार्ट करके देखेंगे फिर से। प्रेशर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है आपका नोजल पाइप में, जितना प्रेशर होना उतना नहीं है। फिर भी देखते हैं, अभी चेक करके। ये स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन इसका पूरा डीजल लाइन चेक करेंगे एक बार, फ्यूल लाइन। सबसे पहले टैंकी का ऊपर का कवर है, इसको खोल लेते, देखते हैं कचरा है कि नहीं। इधर से तो दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो गाइस, हम लोग सबसे पहले इसका नीचे जो ड्रेन में मेन पाइप लगा हुआ है, इसका दूसरा सिस्टम में मेन पाइप लगा, उसको खोलते हैं, देखते हैं। ये जो सॉकेट है ना, इसी में मेन पाइप लगता है। इसके अंदर एक फिल्टर होता है, देखिए कचरा निकला है। इसका फिल्टर देखते हैं एक बार, देखिए फिल्टर का हालत। देखिए, इसका नीचे ही आपका मेन पाइप लगता है। ये देख सकते हैं फिल्टर का हालत, कचरा कितना भरा हुआ है इसमें। ये पूरा निकाल के लगा, वाश करके लगा के आपको दिखाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करके, ठीक है। ये इसी, मतलब इसी फिल्टर का कारण, मतलब प्रेशर नहीं बन रहा था डीजल में। देख सकते हैं डीजल अच्छी तरह से खींच नहीं पाता है। तो ये अभी साफ हो चुका है, इसको लगा देंगे फिर से, वैसे ही साफ करके लगा दिया है अभी। उसके बाद देखिए, ये मेन पाइप है आपका। एक बार देखते हैं, पहले इतना प्रेशर था, उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर है अभी। देखिए इतना प्रेशर से जा रहा है, आ रहा है डीजल मेन पाइप से फिल्टर तक, आराम से जाना चाहिए जो भी हो। वो अभी हो चुका है, सब कुछ लग चुका है। अभी देखते हैं स्टार्ट करके। तो देख सकते हैं कि झटके में स्टार्ट हो गया है, अभी स्मोक भी कम हो गया है। तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।